स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइम मैं प्रयागराज के नगर पंचायत भरगंज वार्ड नंबर 10 स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस तरह से पोस्टर बैनर लगाया गया है, छायाग्राम शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस 5 साल 7 बार, छूटे न टीका 1 भी बार, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको यहाँ पर मौजूद लोगों को और बात करते हैं यहाँ पर मौजूद डॉक्टर से। जी भैया, देख रहा हूँ यहाँ शिविर लगा हुआ है और यह शिविर हर हफ्ते तो लगता नहीं, तो उसके बारे में देखिए अभी एक साहब बोल रहे हैं नहीं लगता, दूसरी मैडम बैठी हुई बोल रहे हैं कि लगता है। अब आइए हम इसके बारे में लोगों से बात करेंगे। बुधवार को काफी दिन बाद आए हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी दिन बाद आएंगे मैडम, हम आए हैं बुधवार को, आप पहली बार आए। जैसा कि हम मौजूद कंपाउंडर साहब जो यहाँ हम बराबर रहते हैं, उनका ये कहना है कि एक बात उन्होंने कहा कि हाँ नहीं लगता है, दूसरी बार भी उन्होंने बात दोहराते हुए इस बात को रखा कि मैं जो है पत्रकार महोदय काफी दिन बाद बुधवार को आ रहा हूँ। फिलहाल मैं मैडम से बात करूंगा 2 मिनट के लिए। मैडम जी एक मिनट बात करके मैं जाऊंगा, ज्यादा डिस्टर्ब में नहीं करना चाहूंगा। छोटी सी एक जानकारी मुझे चाहिए हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए। आप यहाँ पर बैठ के इस तरह से शिविर लगाए हुए हैं, लोग काफी मात्रा में मौजूद है बच्चों को लेके अपने, क्या आप जो सेवाएं देती थी घर पे पहुँच के क्या वो देना बंद कर दिया आपने? जी नहीं, मैंने कभी घर पे सेवा नहीं दिया, क्योंकि ये सरकारी कार्य है और सरकारी कार्य सरकारी स्थान पे ही होता है। किसी के घर जाकर के टीकाकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 10-20 जितने भी व्यक्ति आते हैं, अगर हम एक जगह बैठे हैं तो सभी को दूर कर सकते हैं ना, और घर घर हम किसके जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि आपका जो ये है पोस्टर बैनर कहीं न कहीं किसी न किसी मोहल्ले में लगा होता था एक जगह पे, और वहाँ पर लोगों का आना होता था, आप उनके जो है कार्य करते थे, तो क्या वो काम बंद है? नहीं, ये सत्रवार होता है। अच्छा। जैसे हर बुधवार को ये हमारा उप केंद्र है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ हर बुधवार को सत्र होता है और महीने में हर शनिवार को अलग अलग क्षेत्रों में मोहल्ले में शिविर लगाया जाता है, जिससे कि पब्लिक को परेशानी भी न हो और हमारा कार्य भी सुचारू रूप से हो सके। जिसमें जिस तरह से आपने बताया कि ये सत्रवार है, सत्रवार बोले तो बुधवार आज का दिन है, और आज के दिन यहाँ पर प्रॉपर मिलती हैं आप, यहाँ पर लोग जानते हैं इस बात को और आते हैं यहाँ पर। और कौन सा दिन होता जो कि आप मोहल्लों में लगाते हैं? शनिवार को। तो शनिवार को एक मोहल्ला एक बार, तो इस तरह से यहाँ पर 13 वार्ड है, तो 13 वार्ड में आप ही जाती हैं? नहीं, कोई आधा वार्ड हमारे हिस्से में आता है और आधा वार्ड दूसरी एनएम के हिस्से में आता है। अच्छा अच्छा। मेरे हिस्से में कटरा उत्तरी, कटरा दक्षिणी, गाड़ीवान मोहल्ला, गारोपुर, नई बाजार, शुक्रवारी बाजार, इतना एरिया मेरे मोहल्ले। अच्छा अच्छा, ये तो आप अकेले डील करती हैं, आपके साथ सहयोगी कोई? मैं 13,000 की आबादी अकेले देखती हूँ फिलहाल इस समय। तो जो भी आते हैं मेरे यहाँ, चाहे यहाँ के हैं या अदर गांव से आ रहे हैं, कहीं से भी आते हैं, लेकिन मेरा काम है उन्हें सेवा देना, तो मैं उन्हें। तो आप इस तरह से सेवा क्या क्या देती हैं इन लोगों को? यहाँ पर गर्भवती, नवजात शिशु, बच्चे सभी का टीकाकरण, वजन, गर्भवती हैं उनका वजन जांच वगैरह, जो भी यहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं दी जा सकती हैं उन्हें दी जाती हैं। और भी कार्यों के लिए आप यहाँ से कहाँ भेजती हैं? यहाँ से अगर कोई इनको परेशानी है, दिक्कत है, जो हमारे तरीके से नहीं इनका हल निकाला जा सकता है, तो मैं इसके लिए इन्हें नजदीकी CHC मांडा भेजती हूँ। जो यहाँ बैठी हुई है डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक चिकित्सालय में बैठी हुई हैं, क्या इनसे कोई सेवा लेना नहीं होता? नहीं नहीं, होता है। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो जैसे जो हमारे यहाँ उचित है, जो सुविधा मिल सकती है, तो हमारे डॉक्टर साहब हैं। पहले मैं इनसे सलाह लेती हूँ, इनके पास मरीज को भेजती हूँ, अगर यहाँ तक हो गया तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद CHC रेफर कर देती हूँ। अच्छा, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर राज तिलक तिवारी। अच्छा, आपका परिचय? मैं उमा पुष्पाकर, NM भारतगंज सेकंड। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने जिस तरह जानकारी दिया, मैं आप लोग मौजूद हैं, हम 2 मिनट आगे घुस जाएंगे। आपने सेवा लिया कुछ? आपका कुछ काम हुआ? किसी का काम हुआ है कुछ? आपका काम हुआ कुछ? अभी नहीं, सब लगे हैं। किसी तरह से कोई दिक्कत आप लोगों को आती है? नहीं, कोई समस्या है क्या? जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा मैं इस टाइम मौजूद हूँ
आयुर्वेदिक चिकित्सालय में यहाँ पिछले सत्रवार कैंप लगा हुआ है। यहाँ मौजूद एनएम ने हर एक बात की जानकारी देते हुए डॉक्टर राज तिलक ये मौजूद है सामने, इनके बारे में भी बताया कि पहले जो भी समस्या होती है इनसे मैं सलाह लेती हूँ, समझती हूँ, जब यहाँ कोई निवारण नहीं मिलता है तो मैं आगे के लिए रेफर करती हूँ, जैसे कि मांडा सीएससी की बात कही है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में देखिए डॉक्टर साहब की बातचीत, लेंगे जानकारी भाड़े के जगह पर चल रहे सरकारी अस्पताल के बारे में। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल जन जागृति चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी समस्या को अवगत कराने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।